हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल, जहां आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करूंगी सफ़ेद बालों के बारे में। आजकल के लाइफस्टाइल और तरह तरह की प्रॉब्लम के चलते हम लोग जो मेडिसिन ले रहे हैं उससे बहुत कम उम्र में ही कई लोगों के बाल जो होते हैं वो समय से पहले ही सफ़ेद हो जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसे टिप्स शेयर करूँगी जिनसे आप असमय होने वाले इन सफ़ेद बालों को रोक सकते हैं। दोस्तों, मैं एक बार बता दूँ कि ये जो नुस्खा है ये सिर्फ 40 से उम्र के नीचे के लोग जो हैं उन पे ही काम करेगा, क्योंकि उसके बाद अगर आप 40 से ऊपर हैं तो ये नेचुरल रूप से आपके बाल सफ़ेद हो रहे हैं, इसमें कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। पहला नुस्खा है कि आपको आधा टुकड़ा करीब अदरक लेना है और इसको अच्छे से कद्दूकस कर लेना है, और इस कद्दूकस किए हुए अदरक को आपको शहद में मिलाना है। याद बता दो कि कद्दूकस किया हुआ जो अदरक है वो आधा टुकड़ा आपको लेना है और इसे शहद में मिलाना है। साथ ही इसमें आपको आधा कप पानी के बराबर पानी मिलाना है और इन तीनों को अच्छे से एक स्प्रे बॉटल में शेक कर लें और फिर इसे अपने नियमित रूप से अपने बालों में लगाएं। अगर आपके बालों में डैंड्रफ की प्रॉब्लम है तो आप इसमें आधा नींबू भी निचोड़ सकते हैं। इसको अपने बालों में लगाने के एक घंटे बाद आपको हेयर वॉश कर लेना है और आपको ऐसा वीक में दो बार करना है। ऐसा करने से आपके जो ग्रे हेयर हैं या वाइट हेयर हैं वो बहुत कम हो जाएंगे। सफ़ेद बालों का इलाज, दूसरा इलाज यहाँ पे मैं आपको बताने जा रही हूँ। इसके लिए आपको आधा कप नारियल का तेल लेना है। अगर आपको नारियल का तेल सूट नहीं करता है तो आप ऑलिव ऑयल भी ले सकते हैं, और इसमें आपको पूजा वाला जो कपूर होता है जो अक्सर हम पूजा में यूज़ करते हैं जलाने के लिए, वो आपको 4 से 5 गोलियाँ इसमें ऐड करनी है। आप चाहें तो इसे बारीक पीस करके भी मिला सकते हैं, और अगर आप साबुन डाल रहे हैं तो जब तक ये घुल ना जाए तब तक इस तेल में घोलते रहें, और जब ये घुल जाए तो इस तेल से अपने बालों में इसकी मालिश कर लें, और आपको इसे अपने सर पे आधे से 45 मिनट तक रखना है और उसके बाद आपको शैम्पू करना है। आपको ये वीक में एक बार करना है, ये एकदम जादू के समान आपके बालों पे काम। तीसरा उपाय ये है कि आपको दही लेनी है। 1 कप करीब आपको दही लेनी है, और आपको इस दही में या तो आप टमाटर पीस लें, अगर आप टमाटर नहीं पीसना चाहते तो टमाटर की प्योरी जो होती है वो आपको इस दही में ऐड करके और इसमें आधा नींबू निचोड़ के इससे अपने सर की मालिश करनी है। आपको ये हफ्ते में 2 बार करना है, और इससे आपको कभी भी सफ़ेद बालों के जो समय से पहले सफ़ेद बाल हो जाते हैं उनकी प्रॉब्लम ही आपको कभी फेस नहीं करनी पड़ेगी। याद रखें, आपको दही के साथ टमाटर पीसना है और उसमें नींबू डाल लें। अगर आप टमाटर नहीं पीसना चाहते तो टमाटर की प्योरी ऐड कर लें और उसमें आधा नींबू निचोड़ करके इससे अपने बालों के वीक में 2 बार मालिश करें, और इसे 1 घंटे तक अपने सर पर रहने दें। उसके बाद आप किसी भी अच्छे से शैम्पू से अपने हेयर वॉश कर लीजिए। ऐसा करने से आपको लंबी उम्र तक जो बाल हैं आपके काले बने रहेंगे। तो ये था आज का वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि कैसे आप कुछ उपाय से अपने सफ़ेद बालों को फिर से काला बना सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं यहाँ पर बहुत सारे टिप्स आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। तो ये था आज के इस वीडियो में, जल्दी मिलूंगी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।